Bismillahirrahmanirrahim. आज का हमारा लेक्चर है अबाउट मे माइट. दिस गोना बी द की वर्ड्स एंड ये आप फर्स्ट इसका यूसेज है अबाउट पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी होता है इम्कान. और हमारे पास तीन मुख्तलिफ पेयर्स हैं, मे मे बी, माइट माइट बी, माइट हैव एंड माइट हैपन. और अगर हम इनको देखें इन पेयर्स में एक्टिव पैसिव को, तो मे इज एक्टिव, मे बी इज पैसिव, Might is active and might be is passive. Might have is active and might have been is passive. और इनमें हम साथ साथ ये भी देखिए कि इनमें very importantly कौन सी verb की forms का इस्तेमाल होता है. So may first form, maybe is third form, might first form, might be is third form, might have been, might have is third form, might have been is third form as well. अब हम फिर देखिए may और might का basic difference क्या है. May इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है जो कि 50% है. 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. मे बी एक्टिव एंड पैसिव. और माइट का इस्तेमाल आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट के लिए, और ये भी कम इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है कि माइट 30% होता है चांस या इम्कान या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी. और इसमें आप इसके बाद फिर जो थर्ड पेयर हमारे पास माइट हैव एंड माइट हैव बीन, ये भी इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है. जब तर्जमा करेंगे तो इसको यूज करेंगे इम्कानी तौर पर हो सकता था. अब हमारे पास तीन पेयर्स हैं और सेंटेंसेस हैं. मे मे बी के सेंटेंसेस कुछ इस तरह बनेंगे. ही मे बाय अ लैपटॉप. मे चूंकि एक्टिव है इसलिए हमने ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया. ही मे बाय अ लैपटॉप, इम्कान है कि वो एक लैपटॉप खरीदे. और अ लैपटॉप मे बी बॉट, इसके पैसे बनेगा. पैसे में आप ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे अ लैपटॉप को. अ लैपटॉप मे बी बॉट, इम्कान है कि एक लैपटॉप खरीदा जाए. उसके बाद फिर कम इम्कान के लिए माइट का इस्तेमाल एक्टिव और पैसे में है. ही माइट बाय अ लैपटॉप, कम इम्कान है कि वो एक लैपटॉप खरीदे. अ लैपटॉप माइट बी बॉट, कम इम्कान है कि एक लैपटॉप खरीदा जाए. उसके बाद फिर तीसरा जो हमारा पेयर है वो माइट हैव और माइट हैव बीन का है. ही माइट हैव बॉट अ लैपटॉप, वो इम्कानी तौर पर एक लैपटॉप खरीद सकता था. अ लैपटॉप माइट हैव बीन बॉट, एक लैपटॉप खरीदा जा सकता था. सो हमारे पास जो स्ट्रक्चर हैं देयर अबाउट मे मे बी, माइट माइट बी, माइट हैव और माइट हैव बीन के हैं. देयर आर थ्री पेयर्स. आपको मैंने बताया मे बी, मे इज एक्टिव और मे बी इज पैसिव. माइट इज एक्टिव और माइट बी इज पैसिव. माइट हैव इज एक्टिव और माइट हैव बीन इज पैसिव. ये हमारे पास तीन पेयर्स हैं. और फिर मैंने बताया आपको अबाउट देयर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स. सो मे में आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की मे के बाद, और मे बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की. माइट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, और माइट बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की. माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और माइट हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की. इम्कान के लिए इसका इस्तेमाल है मे 50%, माइट 30%. मे इम्कान है और मे और माइट कम इम्कान है. इसके लिए एक और इस्तेमाल होता है माइट मे वेल, वो ज्यादा इम्कान है के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे इट मे रेन टुडे 50%, इम्कान है कि आज बारिश हो. इट माइट रेन टुडे 30%, इम्कान कम इम्कान है कि आज बारिश हो. और इट मे वेल रेन टुडे, ज्यादा इम्कान है कि आज बारिश हो. सो दिस इज गोना बी द लेक्चर फॉर टुडे. इसमें हम नेक्स्ट इसके यूसेज होंगे नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंट लेक्चर में पढ़ेंगे. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.